नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन स्टॉप नॉलेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो भारत में सबसे पहला अंग्रेजी अखबार शुरू करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, राजा राम मोहन राय, जेम्स अगस्टस हिकी या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है आपको बताना है? जी हाँ, ऑप्शन 3 राइट आंसर है, जेम्स अगस्टस हिकी। डिटेल में बात करते हैं कि यह बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था, एक साप्ताहिक पत्रिका थी ये 1779 में कहाँ पे, कोलकाता में। और ये जो इसने इसको स्टार्ट किया था यानी अगस्टस हिकी, कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें, इनका एक स्लोगन है, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में बार बार आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह इनका स्लोगन है। बात करें राजा राम मोहन राय की, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, साथ ही साथ ब्रह्मा समाज की संस्थापक भी यही हैं। बेंटिक आप सभी जानते हैं, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु इज नोन एज लोकनायक? तो लोकनायक के नाम से हम किसे जानते हैं? चार ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, दादाभाई नौरोजी या महात्मा गांधी। तो इन चारों में से किसे हम लोकनायक कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जयप्रकाश नारायण। डिटेल में बात करें भैया, 1998 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, मरने के बाद में। ये बिहार से बिलोंग करते हैं और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है 1965 में। जयप्रकाश नारायण, इनके नाम पे विश्वविद्यालय भी खोला गया है और इनके नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी खोला गया है बिहार में। कैपिटल करें बात बिहार की तो वो है पटना, और पॉपुलेशन के मामले में तीसरे नंबर पर है इंडिया में। और सबसे पहले नंबर पर कौन है पॉपुलेशन में? उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान है। सीएम कौन है यहाँ के? नीतीश कुमार हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बिहार के फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु अमोंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है गवर्नर्स ऑफ स्टेट, सेकेंड है चीफ जस्टिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वाइस प्रेजिडेंट, चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो वो है ऑप्शन 3। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं करता है, इसके लिए वोटिंग होती है। आपने अभी करेंटली में देखा भी होगा, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने थे उनके लिए वोटिंग की गई थी। तो अब बताइएगा कौन है वाइस प्रेसिडेंट फिलहाल में? तो आपको इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव में लेना है। आपको यह देखना है कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। तो गवर्नर्स की भी नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति करता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति करता है। तो बात करते हैं फिलहाल में प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वीं नंबर की हैं, फर्स्ट सिटीजन होती हैं कंट्री की राष्ट्रपति। बात करें इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का जो फिलहाल बने हैं करेंटली में ही? तो वो हैं जगदीप धनखड़ साहब, जो कि 14वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर न्यूनतम आयु की बात करें, प्रधानमंत्री के लिए 25 साल है, राज्यपाल के लिए 35 ईयर है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? तो सबसे पहले आप ये समझिए बायोडिग्रेडेबल होता क्या है। तो भैया, ऐसे सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए पृथ्वी में या मिट्टी में। तो कौन सा है? पहला ऑप्शन है पेपर है, दूसरा DDT है, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक। तो इन चारों में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल है? तो वो है पेपर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बात करें डिटेल में तो बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो पेपर भी है, फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, कॉटन है और काउडंग। बात करें सभी प्रकार का गोबर आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं, टॉक्सिक्स केमिकल्स भी होते हैं, मेटल्स, पॉलीथीन, डाइज, रबर गुड्स, ग्लास, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। ग्लास और प्लास्टिक को ध्यान में रखिएगा भैया, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है इनसे संबंधित। बात करें DDT की तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। जी हाँ, इसकी भी ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ए पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR? तो भैया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो WDR यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है? तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वर्ल्ड बैंक, फोर्थ UNCTAD। तो इन चारों में से कौन सा है? तो जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन 3 वर्ल्ड बैंक। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, जो पहली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 1978 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 189 कंट्रीज़ हैं।
और फिलहाल में इसके प्रेसिडेंट कौन है, जो 13वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, डेविड मेलपास। इसके संबंधित दो तीन फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं, तो वो हैं IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और अभी ऑप्शन में फुल फॉर्म थी UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन तीनों फॉर्मों को ध्यान रखिएगा भैया, पेपर में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द ओल्ड एज एंड एजिंग इज नोन एज। तो भैया जो बुढ़ापे की स्टडी करता है उस साइंस को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है जेरेंटोलॉजी, टेराटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या ओरिथोलॉजी। तो इन चार ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है आप बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन नंबर वन, जेरेंटोलॉजी। जी हाँ, यही आंसर है। बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की टेराटोलॉजी की, तो भैया ऐसी साइंस है जो जिसके बारे में बताती है अब नॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में, उसके काजिज के बारे में बताती है कि भैया कैसे हुई है। बात करें ऑन्कोलॉजी की, तो यह स्टडी या ट्रीटमेंट है किसके बारे में, ट्यूमर्स के बारे में। ओरिनिथोलॉजी में हम भैया स्टडी करते हैं किसकी, बर्ड्स की। आपको क्या पता है कि स्टडियो वायरस को क्या कहते हैं, वो कहते हैं वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट। तो रेक्टिफायर किसके काम आता है, क्या कन्वर्ट करता है। ऑप्शन वन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या बात करें ऑप्शन नंबर फोर, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ऑप्शन सारे अटपटे हैं यानी एक जैसे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। बात करें भैया आपको एसी तो डीसी में बदल दिया, लेकिन अब डीसी को एसी में कौन बदलेगा, तो वो बदलेगा इन्वर्टर। दूसरी एनर्जी की भी बात करते हैं, अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी को बदलना हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो काम करेगा जनरेटर। अगर इसके अपोजिट बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलना हो किसमें, मैकेनिकल में, तो वो करेगी इलेक्ट्रिक मोटर। तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा, चारों क्वेश्चन बता दिए हैं मैंने, पेपर में पूछा जा सकता है, साइंस का नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड फेमस ओल्ड फेथफुल गीजर इज सिचुएटेड इन। तो भैया ये कहाँ पे है ओल्ड फेथफुल गीजर, तो कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है, आइसलैंड में है, अमेरिका में है या जापान में है। चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइएगा। तो ये मौजूद है भैया अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। डिटेल में बात करते हैं, इसका नाम कब रखा गया था, 18 सितंबर 1870 को इसका नाम रखा गया था। और ये कहाँ पे मौजूद है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जो कि अमेरिका का काफ़ी फेमस पार्क है और ये वर्ल्ड का भी पहला पार्क है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 मार्च 1872 में हुआ था। कैपिटल बात करें अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी है। और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, अमेरिका की न्यूयॉर्क है। बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा उनको। पार्लियामेंट की बात करें, क्या कहते हैं अमेरिका की पार्लियामेंट को, वो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच स्टेट वाटरफॉल जोग इज लोकेटेड। तो जो जलप्रपात जोग है वो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है, कर्नाटका में है या महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटका। बात करें किस नदी पर है, सरस्वती नदी पर है। हाइट कितनी इसकी, 253 मीटर है। और किस जिले में है, शिमोगा जिले में है, कर्नाटक के। और बात करें साथ ही साथ में कर्नाटक में एक और जलप्रपात है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, कुच्चिकल। जी हाँ, कुंचिकल यहाँ पे एक जलप्रपात है जो कि सबसे ऊंचा झरना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर है। कर्नाटका की डिटेल में बात करें, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। कैपिटल बेंगलोर है। सीएम कौन है यहाँ के, बसवराज बोम्मई है। गवर्नर कौन है, थवरचंद गहलोत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में मौजूद है। तो ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, नेपाल, अमेरिका या इंडिया। तो इन चारों में से किस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन वन। डिटेल में बात करें, अगर बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आवास की, तो वो कहते हैं हम स्विट्जरलैंड को। जी हाँ, यह दोस्तों लोगों को छूट देता है कि आप अपना डिसीजन खुद लो। करेंसी की बात करें, यहाँ की स्विस फ्रैंक है, जो भारतीय रुपये में बात करें 81.25 रुपये के बराबर है। पार्लियामेंट क्या कहते हैं इसको, फेडरल असेंबली ऑफ स्विट्जरलैंड। और किस कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, विच गैस कम आउट वैन ए मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो जब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4।
अगर आप नीचे रिएक्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं, जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर मेटल के एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से मेटल हैं, तो दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, ये सारे मेटल हैं। ऐसा मेटल का नाम बताना है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भैया लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वैसे ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। लिक्विड फॉर्म में बताना कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे मिलता है वो है मरकरी। अगर बात करें नॉन मेटल की जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो है ब्रोमीन। याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो गोल्डन गेट का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन वन है जोहान्सबर्ग को, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या लंदन। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है गोल्डन गेट का शहर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सैन फ्रांसिस्को राइट आंसर है। बात करें सैन फ्रांसिस्को और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसके ऊपर गोल्डन ब्रिज बना हुआ है। कब ओपन हुआ था ये? 27 मई 1937 में ये ओपन हुआ था। कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स में है। और पैसिफिक ओशन की बात करें तो लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन डिड द सिविल वार इन श्रीलंका एंड। तो श्रीलंका का जो गृह युद्ध था वो कब समाप्त हुआ था? 2009 में, 2001 में, 1800 में या 1909 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2009 में। बात करें कब से कब तक चला था? 23 जुलाई 1983 से लेकर 18 मई 2009 तक ये चला था। तो दोनों डेट ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछी जाती हैं। इससे संबंधित फुल फॉर्म भी है LTTE, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलेम, जिसको हम आजकल क्या कहते हैं, तमिल टाइगर्स भी कहते हैं। श्रीलंका की बात करें, पहले इसको हम सिलोन कहते थे। कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? एशिया में पड़ता है। कैपिटल क्या है यहाँ की? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रम सिंघे हैं। पीएम भी यहाँ के, जरूर ध्यान रखिएगा, दिनेश गुना वर्धने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मोनूमेंट टावर ऑफ पीसा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो जो पीसा का स्मारक टावर है ना भैया, वो कहाँ पे मौजूद है? फ्रांस में है, पोलैंड में है, इटली में है या जर्मनी में है? तो इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी इटली। इटली की राजधानी है रोम। यह कंप्लीट कब हुआ था भैया? बात कर रहे हैं हम पीसा टावर की, तो कंप्लीट हुआ था 3072 में। इसकी हाइट कितनी है? 55.86 मीटर है। फिट में बात करें तो 183 फिट है। कैपिटल आप सभी जानते हैं रोम है। किस महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। इटली शहर। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? सिरोजियो मेटरुल्ला है। पीएम कौन है यहाँ के? मारियो ड्रागी है। करेंसी आप सभी जानते हैं यहाँ की, यूरो है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्लेनेट विच हैज़ द हाइएस्ट सरफेस टेम्परेचर इज। तो उस ग्रह का नाम बताना है जिसकी सतह पे सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। जुपिटर है, अर्थ है, प्लूटो है या वीनस है? तो अगर आप में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी आपके पास, तो ऑप्शन 3 तो आप हटा देंगे यहाँ से, बाकी ऑप्शन बच के 3, जुपिटर, अर्थ या वीनस, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, वीनस यानी शुक्र ग्रह। यहाँ का तापमान की बात करें तो 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इसको प्रेम की रोमन देवी भी माना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह ही है। सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह है। दिन सबसे अधिक लंबा कहाँ पे होता है? शुक्र ग्रह पे होता है। और इसके निकनेम की बात करें तो पृथ्वी की बहन भी इसी को बोलते हैं और भोर का तारा भी इसी को बोलते हैं। अगर भैया शुक्र ग्रह से संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन। तो जो वेस्ट मिनिस्टर संसदीय प्रणाली है कहाँ विकसित की गई थी? स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में या अमेरिका में? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम में। बात करें हम इसको ब्रिटेन भी बोलते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। कैपिटल क्या है इसकी? लंदन है, जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है ब्रिटेन की। पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है। मेंबर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंबर भी है क्योंकि काफ़ी विकसित देश है। किस किस का मेंबर है भैया? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी मेंबर है, नेटो देशों का भी मेंबर है, G7 का भी मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर है और WTO। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट देश है। बात करें इसकी करेंसी की तो पौंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है, जो कि 91.75 रुपये के बराबर है इंडियन करेंसी के बराबर। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, विच अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रेंस्टेटेड टू द एशियन गेम 2022 एडिशन। तो ऐसा कौन सा खेल है जिसको दोबारा से अपनाया जा रहा है एशियन गेम 2022 में? तो ऑप्शन है पोकर, मोनोपोली, बिलियर्ड्स या चेस।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चेस। जी हाँ दोस्तों, एशियन गेम 2022 की बात करें तो कौन सा एडिशन है इस बार? 19th एडिशन है। कहाँ पे होने वाला है? चीन देश में होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं, COVID-19 के दौरान ये 2022 में नहीं हो रहा है, अब ये होगा 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 में। चीन पहले भी दो बार इसको होस्ट कर चुका है एशियन गेम्स को, 1990 में और 2010 में। इस बार का मोटो क्या है? हर्ट टू हर्ट है। 2026 में कौन होस्ट करने वाला है एशियन गेम को? जापान करेगा। और 2018 में किसने किया था? इंडोनेशिया ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकाल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भैया जोधपुर में है, या बरमार में है, जैसलमेर में है, या बीकानेर में है। ये तो आपको पता चल गया राजस्थान में है, लेकिन कहाँ पे है? जोधपुर, बरमार, जैसलमेर या बीकानेर? जी हाँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। डिटेल में बात करें इसका निकनेम यानी जैसलमेर के निकनेम की, तो इसको हम बोलते हैं द गोल्डन सिटी। राजस्थान की बात करें तो लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है एरिया वाइज। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर है। गवर्नर और सीएम की बात करें, गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्रा और सीएम तो आप सभी जानते हैं अशोक गहलोत हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं जैसे माउंट आबू, दिलवारा टेम्पल और हवा महल, ये सारी कहाँ पे? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल कम अप एट, तो भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है ना, वो किस स्थान पर खोला गया है? वडोदरा गुजरात में, बेंगलुरु कर्नाटका में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, या लखनऊ उत्तर प्रदेश में? तो इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी वडोदरा गुजरात में यह खोला गया है। बात करें कब खोला गया था? 5 सितंबर 2018 में, यानी पिछले कुछ ही दिनों की बात हुई है। इसका नया नाम रखा गया है NRTI, जिसका मतलब है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। यहाँ के चांसलर कौन है? मिस्टर विनय त्रिपाठी। वाइस चांसलर कौन है यहाँ की? मिसिज अंजलि गोयल जी हैं। कैपिटल की बात करें गुजरात की, गांधीनगर है। कब फॉर्म हुआ था? स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है गुजरात में? तो 33 हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, तो नाइट्रिफिकेशन में क्या प्रोसेस होती है वो बताना है आपको। नाइट्रोजन को हम नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलते हैं, अमोनिया को नाइट्राइड में बदला जाता है, या अमोनिया को नाइट्रोजन में बदला जाता है? तो राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर 3, अमोनिया को हम किस में बदलते हैं? नाइट्राइट में। तो डिटेल में बात करते हैं, सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH3 होता है। नाइट्राइट का क्या होता है? NO2 होता है। नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 होता है। बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो जी हाँ, सीधे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 हैं। बात करें ग्रुप्स 18 हैं और पीरियड कितने हैं? 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बेटन कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या आपने सुना है कि बेटन कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, या वॉलीबॉल से है? क्या आपको पता है बेटन कप का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। डिटेल में बात करें कब स्थापना हुई थी इसकी? 1895 में। किसके द्वारा? बंगाल हॉकी एसोसिएशन के द्वारा। बात करें बाकी कप भी हैं जो कि हॉकी से संबंधित हैं, जैसे रंगास्वामी कप हो गया, युद्विंदर कप हो गया, गुरु नानक देव गोल्ड कप हो गया, मुरुगुप्पा गोल्ड कप भी इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन ऑडियोमीटर मेजर्स, तो जो ऑडियोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, टाइम को करता है, वॉल्यूम ऑफ गैसेज को करता है, या वेपर प्रेशर को करता है? तो जिसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ गैसेज की। डिटेल में बात करिए तो भैया इसकी खोज करता है इन्वेंटर कौन है? तो वो है मार्सिलो लैंड्रानी। बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है आप सभी जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। अगर बात करूँ प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। टाइम की आप सभी जानते हैं सेकंड होती है। अगर वॉल्यूम की SI यूनिट की बात करूँ तो क्या होती है? क्यूबिक मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, नेम ऑफ द सिटी इन द वर्ल्ड नोन एज बिग एप्पल, तो बिग एप्पल के नाम से हम कौन सी कंट्री को जानते हैं? न्यूयॉर्क को जानते हैं, स्वीडन को, कनाडा को, या दुबई को? चार ऑप्शन में कौन सा सही है? तो राइट आंसर है इसका न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 1। डिटेल में बात करें इस सिटी को हम क्या कहते हैं? द सिटी दैट नेवर स्लीप भी इसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है न्यूयॉर्क है। कौन सी कंट्री में है? अमेरिका में है। अगर इसकी कॉन्टिनेंट की बात कर दूँ किस में पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में है। कैपिटल आप सभी जानते हैं Washington DC है। प्रेजिडेंट जो बाइडन है, करंसी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। तो क्या आपको पता है कि भैया मैराथन जो रेस होती है उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? ऑप्शन वन है 26 माइल्स 385 यार्ड्स के बराबर, सेकेंड ऑप्शन 26 माइल्स के बराबर, 36 माइल्स 500 यार्ड्स या 22 माइल्स के बराबर। तो कौन सा है इसमें राइट ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर वन 26 माइल्स और 385 यार्ड्स के बराबर होती है। याद रखिएगा भैया, फिक्स है ये मैराथन रेस के लिए। डिटेल में बात करते हैं तो किलोमीटर में कितनी होती है टोटल, तो 42.195 किलोमीटर के बराबर होती है। अगर एक माइल की बात करूँ कितने किलोमीटर होते हैं एक माइल में, तो 1.6 किलोमीटर होते हैं। अगर एक किलोमीटर में यार्ड्स की बात करूँ तो 1093 यार्ड्स होते हैं, और कुछ पॉइंट भी होते हैं लेकिन आप ज़्यादा यही याद रखिएगा कि 1093 होते हैं। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप सभी को पता होगा 1000 मीटर होते हैं। बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इंक्रीजेज, तो जो सौभ मंडल है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? गर्मियों में, सर्दियों में, स्प्रिंग के मौसम में, या कभी भी चेंज नहीं होती है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर वन, इन समर। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में इसकी मोटाई बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है। तो ये सबसे नीचे वाली परत है, इससे जो ऊपर वाली परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर। बात करें जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सारी इसी परत पे होती हैं, और इसकी अगर बात करें 6 से 20 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। ओजोन लेयर कौन सी परत पे है दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर पे पूछा जाता है पेपर में। आप मुझे ये बताइए जो थिकनेस होती है ओजोन लेयर की, उसको किससे नापते हैं? वो होती है दोस्तों डॉब्सन। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।